एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल ना शाम से ही मुझे अजीब सा फील हो रहा है, पेन जैसा फील हो रहा है, जैसे पेन हो रहा है मुझे। सारी रात में सो नहीं पाई और अनिल कल ऑफिस गए थे तो वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। परसों भी दिन में नहीं सो पाए थे तो वही उनको भी नहीं सोने दिया मैंने। वैसे बहुत कोशिश करी थी बट थोड़ी आवाज़ तो निकलती है, दर्द होता है, तो इस वजह से। तो अब अपॉइंटमेंट ले लिए डॉक्टर की 11:30 बजे की, लेकिन 11:30 बज चुके हैं। घर का कोई काम नहीं हुआ, झाड़ू पोछा कुछ भी। बस हम लोगों ने नाश्ता किया है और हम लोग नहा लिए हैं, क्योंकि नहा के फ्रेश फील होता है, गर्मियों का मौसम है। तो अनिल कर रहे हैं पूजा और हम लोग निकल जाएंगे। मैंने अपना मास्क भी ले लिया है और मैंने अपनी फाइल्स भी ले ली हैं। तो देखो मैडम क्या बोलती हैं, क्यों हो रहा है दर्द। और आज मुझे सपना आया था, सपने में पता है लड़की हो गई और मेरे दर्द भी नहीं हुआ। मैं क्यों ना, मैंने बोला यार ऐसे बच्चे हो जाएं तो अच्छा ही है। मेरे सपने में लड़का हुआ था। और इसको भी आज सपना आया, इसके सपने में लड़का हुआ है। तो चलिए चलते हैं झटपट से डॉक्टर के पास और उसके बाद मुझे कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, तो ब्लॉग में बने रहना अंत तक। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। धूप भी बहुत हो रखी है, स्टॉल लेके जाऊं कि नहीं जाऊं पता नहीं, मौसम कैसा हो रखा है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। और इस टाइम पे हल्का फुल्का भी दर्द हो या कुछ भी हो तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं तो सोच रही थी चलो कोई बात नहीं, कल तक वेट करते हैं, देखते हैं। बेबी मूवमेंट तो कर रहा है, अनिल बोल रहे थे कि मूवमेंट कर रहा है क्या, तो मूवमेंट तो कर रहा है बट फिर भी जाना तो बनता है, तो चलिए चलते हैं। तो फाइल वाइल सारी चीज़ें ले ली हैं, अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत टाइम से पूछ रहे हैं कि दीदी आप प्लीज़ बताइए ना कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। तो आपको भी पता है प्रेगनेंसी में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर अभी तक नहीं कर रही थी। बट मुझे करना ही पड़ेगा फाइनली, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने आप लोगों से पूछा था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही गैस भी किया है। तो ये आ गई हैं अपने ठिकाने पर, इनको बहुत दर्द हो रहा है, मतलब 2 दिन से इनसे पेट में दर्द है। अब पता नहीं कैसा दर्द है, अब दिखाने जा रहे हैं। देखो मैडम क्या बोलते हैं, लेट हो गए, लेकिन हम आधा घंटा लेट हैं। आधा घंटा लेट हैं क्योंकि वो भी इनकी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ किया नहीं इसलिए तो लेट है। मुझे बताया 11:10 पे कि 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, चलना। हाँ तो नाना जरूरी था उसके बाद। हाँ नाना जरूरी था यार, गर्मी कैसी है। मैडम क्या बोलती है, कैसे पेशेंट है बिना नहाए अभी। यही बेकार पेशेंट। आज मुझे डर नहीं लग रहा, मतलब समझ रहे, डर तो लग रहा है पर मैं पॉजिटिव हूँ एकदम। अच्छा, गलत नहीं सोच रही कुछ भी। अच्छा, डर तो तुम्हें पहले लग रहा था। ये बेसमेंट तब में गई है, बेसमेंट से आएगी। ये रुक क्यों गई? ये रुक कैसे गई? बेसमेंट पर रुक गई ये तो। आ गई आ गई। ये पता नहीं क्या ही हुआ था, बेसमेंट पर रुक गई थी। कोई सवारी बैठ रही होगी। सवारी? हाँ तो पैसेंजर मतलब सवारी ही होता है। अब आ गई, देख लो। अब रुक गई। चलो सेकंड फ्लोर जाना है। तब इन्हें किराए से चाहिए था ना, तब ऊपर ही थी, नीचे थी नहीं खाली। लाइन यू जिस वीडियो बन रहा है वो है। तो फाइनली हम लोग आ गए हॉस्पिटल और हमारा नंबर वेटिंग में है अभी, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। और मुझे पेन 2 दिन से हल्का हल्का था, आज रात तो मैं सोई भी नहीं थी, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। और बार बार मैं हम लोग इसलिए भी हॉस्पिटल आ जाते हैं, थोड़ा बहुत भी दर्द होता है, क्योंकि मैडम ने डिलीवरी की बोल दिया है कि डिलीवरी आपकी कभी भी हो सकती है, इस वजह से हमें आना पड़ जाता है कि क्या पता कैसा दर्द है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा।
पता नहीं क्यों मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या हो रहा है, बट अभी मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ। और अब तो डॉक्टर के इतने चक्कर लग चुके हैं ना, अब तो आदत जैसी हो चुकी है, फिर भी टेंशन हो जाता है, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे अनिल आ गए हैं, साथ में और भी पेशेंट बैठे हैं, तो मैं बोल रही हूँ ये मस्ती मजाक बंद करो। और मैं इनसे बोल रही हूँ कि मेरे पेट जितना तो आपका भी पेट है, तो वो बोल रहे हैं मैं भी तो पापा बनने वाला हूँ। इनका यही डायलॉग रहता है कि मैं भी तो पापा बनने वाला हूँ, तुम मम्मी बनने वाली हो। तो बस अभी हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे और डॉक्टर ने क्या बोला है आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और फाइनली हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, इन्होंने पेमेंट कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं घर पे। नीचे दवाइयां लेनी है पहले। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया है, उनके नाम वीडियो में मैं आगे लूँगी। और मैं आपको फाइनली बता दूँ कि मेरा कौन सा मंथ रनिंग है। मेरा वैसे तो अभी 9th स्टार्ट होने वाला है, 8 मंथ ही रनिंग है, बट डॉक्टर ने डिलीवरी की जल्दी बोल दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं शेयर नहीं करूँगी आपके साथ, इसलिए ही मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। बट अभी मैं नहीं रहना चाहती क्योंकि आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर को दिखा के हम आ गए हैं, ये ले रहे हैं नीचे से दवाइयाँ। मैडम ने बोला है कि अभी ये लेबर पेन नहीं है, मतलब डिलीवरी होगी वो वाला पेन नहीं है, ये नॉर्मल पेन है। 2-3 दिन देखते हैं, ये दवाइयाँ लो, नहीं सही होता तो फिर देखते हैं। बिल बन गया लंबा चौड़ा? हाँ, 1000 रुपये खा गई बस। तो अब की बार सस्ते, सबसे सस्ते अब की बार ही निपटे हैं अपन। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने दवाई ली, थोड़ा सा आराम किया क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी और पसीना जैसा आ रहा था। तो अभी मुझे थोड़ा सा आराम है, समय हो गया है, 2:30 बज चुका है और हमारे घर खाना अभी तक नहीं बना है। अनिल बिजी है अपने ऑफिस के काम में, कॉल है उनका, तो वो आएंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे और मेरी हेल्प करवाएंगे। तब तक मैं कर रही हूँ तैयारी पनीर की, क्योंकि आज बनने वाली है पनीर, मटर पनीर की सब्जी, क्योंकि लक्ष्मी बोल रहा था और कोई सब्जी थी नहीं घर में। तो अभी दिन में सब्जी वाले कहाँ मिलते, मंडी ओपन नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो फिर पनीर ही बनाते हैं। तो पनीर बनाते हैं, ये बर्तन डले हुए हैं ब्रेकफास्ट के, और तो इनको मैं बाद में साफ करूंगी। अभी हमारे घर में झाड़ू भी नहीं लगा क्योंकि खाना पहले ज़रूरी है इसलिए। और मेरे पैरों में स्वेलिंग भी आ गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल मैंने काम किया था ना, तो बहुत स्वेलिंग आ गई है। मेरी कोई भी स्लीपर, सैंडल, कुछ भी नहीं आ रहा मेरे, कुछ भी नहीं आ रहा, सब इतनी छोटे हो गए हैं। मुझे अब टेंशन इस बात का नहीं है कि छोटे हो गए हैं, अब मुझे टेंशन इस बात का है कि बाद में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बात का टेंशन है मुझे। बाद में नहीं आए तो मेरी इतनी सारी सैंडल का क्या होगा, ये टेंशन रहता है। कपड़ों का, सैंडल्स का ये सबसे बड़ा झंझट होता है। पूजा तो हम लोगों की हो गई थी हॉस्पिटल गए थे ना, उससे पहले ही अनिल ने कर दी थी पूजा। तो चलिए मसाला बनाते हैं पनीर के लिए, फिर पनीर बनाते हैं, उसके बाद रोटियां। और देखो अनिल आते हैं कि नहीं आते, अगर उनका ऑफिस का कॉल रहा तो नहीं आएंगे, क्योंकि ऑफिस वर्क भी इसी टाइम पे आना था यार। मैं कह रही अगर अब डिलीवरी हो जाएगी ना तो कैसे क्या करेंगे, समझ में ही नहीं आया कुछ। चलिए बना लेते हैं झटपट से, उसके बाद। तो अनिल ऑफिस वर्क में बिजी होने के कारण मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मैं किचन में अकेले ही खाना बना रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट कोई बात नहीं है, ऐसे तो मैनेज करना ही पड़ेगा सब चीज़ें। मैडम ने डिलीवरी की बोल दिया है, बट एग्जैक्ट डेट तो मैडम भी नहीं बता सकती, वो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग बताती हैं और मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने बताया है। बट फिर भी हम लोग अपनी तरफ से एक और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं जिससे हमें फाइनल पता चल जाए। अब देखो क्या क्या होता है, आगे आप लोग साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो आज मेरे पास ऑफिस से टाइम नहीं है बिल्कुल भी, अभी मैं इनको डॉक्टर को दिखा के लाया हूँ। मैंने इनको बोला भैया आज बना दो यार रोटी सब्जी और इन्होंने देखो इन्होंने इतने सारे बर्तन धो दिए हैं, आटा भी लगाया है, सब्जी भी बनाई है, बहुत काम कर रही हैं आज, क्योंकि इनको दवाई मिल गई है तो इनके दर्द थोड़े हो गए हैं कम। तो मैंने कहा इस मौके का फायदा उठा लूं। और मैंने आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता पता नहीं, आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे साथ बहुत होता है। जब जब मुझे लगता है कि अब मुझे फ्री हो जाना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं आना चाहिए, तो ऑफिस से भी उतना ही ज़्यादा काम आ जाता है और इनकी तरफ से भी उतना ही ज़्यादा काम आ जाता है। और फिर मेरे को समझ नहीं आता, जैसा मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को, जब मेरे पास ज़्यादा काम होता है ना तो मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ क्या है, फिर मैं बैठ जाता हूँ जगह पर।
तो फिर ये बोलती ना तो तुम वो कर रहे हो ना ये कर रहे हो, क्योंकि मेरा फिर दिमाग चलता नहीं है बिल्कुल भी। लक्ष को दे देते हैं, उसको भूख लग रही है। दे देंगे पर आप जल्दी बनाओ, भूख तो तुम्हें भी हो हमें भी लग रही है महाराज। बच्चे को भी तो लग रही है। तीन बच चुके हैं, तीन बच्चे का भी तो। डू यू नो इट्स 3 o'clock हॉस्पिटल में आज। इट्स 3 o'clock आई वॉज समझ में, तो जल्दी बना लो समझे आप, जल्दी फटाफट। तो हम लोगों का लंच हो गया था 3:15 और अभी समय हो रहा है 5:34, क्योंकि मैंने फिर आराम भी किया था, अनिल अपने कॉल में थे और अभी भी वो कॉल में ही बिजी हैं। और 5:30 आज हमारा झाड़ू पोछा हुआ है और किचन, मतलब फिर मेरे खाना बनाने के बाद मेरा मतलब जी में चलने लगा था, घबराहट सी होने लगी थी, तो किचन में जो डला रहता ना आटा वगैरह खाना बनाने के बाद जो क्लीनिंग करनी होती है मैं हमेशा साथ में ही करती हूँ, बट आज मैंने डली छोड़ दी। मैंने सोचा कि चलो अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो और हालत ख़राब हो जाएगी, तो अभी मैंने किचन भी एकदम साफ़ कर दी है, झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है, उस वाले रूम का भी, इस वाले रूम का भी। और यहाँ पे लक्ष्य कर रहा है पढ़ाई, इसको मैंने बिठा दिया पढ़ाई कर लो। किचन भी क्लीन हो गई है, बस लंच के बर्तन हैं वो थोड़े से रह गए हैं, तो इनको मैं बाद में साफ़ करूँगी 6:30 के समथिंग। वैसे ताज़ा पानी तो आ रहा है बट मैं अभी नहीं करना चाह रही हूँ, तो अभी नहीं कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा पानी पी के थोड़ा सा मैं लेटती हूँ, मुझे एडिटिंग करनी है वीडियो की, मैं एडिटिंग करती हूँ। ये कपड़े कल मैंने वॉश करे थे तो कुछ तो मैंने तेल लगा के रख दिए थे, कुछ अभी डले हैं तो उनको तेल लगा के रखूँगी, लेकिन आराम से। लक्ष्य बाद में नहाया था तो उसके अंडरवियर इनरवियर डले हैं, उनको भी मुझे वॉश करके डालना है, बट मैं डालूँगी। और आज इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैं बोल रही 10 मिनट मुझे दे दो, मुझे कुछ काम है, बट बोल रहे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो चलिए हम किचन की लाइट बंद कर देते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसके बाद फिर से लग जाएंगे काम पे। तो फाइनली मैं सारे काम से हो गई हूँ फ्री, कपड़े भी बर्तन भी सब कुछ हो गया है। समय हो गया है 6:45 और ये जनाब कर रहे हैं अभी भी ऑफिस का काम। हेलो हाय बोल दो ऐसे। तो ये अब मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था, मैं सोच रही थी इनके साथ ही शेयर करूँ, बट अब मैं इनका इंतज़ार करूँगी, इनके साथ ही शेयर करूँगी। कब तक हो गए फ्री? इसको देखो ये इतने बिजी हैं कि रिप्लाई नहीं कर रहे, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है।